Welcome to Cocktails India and I am your host Dada Bartender. Friends, आज का जो एपिसोड है वो क्वाइट यूनिक एपिसोड है. आज हम लोग जानेंगे अल्कोहल एंड बॉलीवुड का रिश्ता. जी हाँ, अल्कोहल को कैसे बॉलीवुड में दिखाया गया है. पीने वालों को मुझको पीना है, पीने दो. अल्कोहल को बहुत अलग अलग तरीकों से बॉलीवुड मूवीज में दिखाया गया है, जैसे कि सुख में, दुख में, कॉमेडी में, सेलिब्रेशन में, पार्टी में, हर एक जगह में अल्कोहल को दिखाया गया है. बट अल्कोहल का जो इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाया गया है सब जगह. जैसे होता है ना अल्कोहल पीने के बाद बेवड़ा बन जाना, वो मोस्टली दिखाया गया है मूवीज में. और मैं मानता हूँ वो सबसे खराब एक चीज़ है जो बहुत बैड इम्पैक्ट कैरी करता है. फ्रेंड्स, एक बात सोचिए कि अल्कोहल पीना बुरा बात है या अल्कोहल पीने के बाद बेवड़ापंती करना बुरा बात है. हम लोग अल्कोहल को जितना नफरत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम लोग अल्कोहल पीने के बाद वो जो बेवड़ापंती, वो जो शराबीपन, वो हम लोग हजम नहीं कर पाते हैं. और उसके लिए अल्कोहल खुद बदनाम है. बस हो गया पिटाई. यू गेट आउट. सुनो, गेट आउट. हम जो पीने वाले हैं हम लोगों के पीछे ऐसे बहुत बोलने वाले हैं, और वो सिर्फ बोलता है शायद ये बेवड़ापंती के कारण या ये शराबीपन के कारण, है ना. सो व्हाई इंटॉक्सिकेशन, क्यों बेवड़ापंती, क्यों शराबी बन के रोड में घूम के इधर उधर पलट जाना, उलट जाना और माहौल को खराब बनाना. उसका सबसे बड़ा रीजन है आपका पीने का ढंग. आप अगर ज्यादा पीते हैं तभी जाके ये हादसा आपके साथ होता है. और इस चीज को रोकने के लिए सिंपली आपको कम पीना है. देखिए फ्रेंड्स, अल्कोहल सब समय बदनाम है क्योंकि अल्कोहल एक नशे का वस्तु है. बट मैं अगर आपको एक क्वेश्चन करूं उसका आंसर भी आप नहीं दे पाएंगे. अगर मैं आपको पूछूं कि कौन सा फूड है या कौन सा ड्रिंक है जो ओवर एक्सेसिव या ज़्यादा खाने के बाद या ज़्यादा पीने के बाद आपका शरीर में कोई बैड इफेक्ट नहीं लाता है, क्या आप वो ढूंढ के ला पाएंगे मेरे सामने? जी नहीं. मतलब अल्कोहल को जैसे हम लोग ट्रीट करते हैं वो वैसे ही रिफ्लेक्ट होता है. अल्कोहल में एक बात है मॉडरेशन. अगर जेंटली और मॉडरेट ड्रिंकिंग आप करते हैं तो कोई माइका लाल नहीं है आपके ऊपर उंगली उठाए. हाँ फ्रेंड, हम लोगों को मॉडरेट ड्रिंकिंग ही करना है, जो बहुत बार बहुत सारा फिल्मों में, बहुत सारा गानों में दिखाया गया है. बट हम लोग मानते कहाँ हैं, हम लोगों को तो पीने के बाद नशा होना चाहिए. अगर नशा जब तक नहीं होता तो कौन सा दारू है, ये बेकार है, फेक इसको. जहाँ चार यार मिल जाए. एक बात आप जरूर नोटिस किए होंगे कि बॉलीवुड मूवीज में अल्कोहल को कभी भी प्रमोट नहीं किया गया है, कभी भी प्रॉपर तरीके से ब्रांड को भी नहीं दिखाया गया है, हल्का दिखाया गया है. हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं कभी कभी जूनियर का ब्लैक को, पीटर स्कॉट को या कोई मैकडॉल सेलिब्रेशन ड्राम को, बट कभी भी हाईलाइट नहीं किया गया है. और उसके बावजूद भी कुछ गाना है, कुछ सीन है जो हम लोग का दिलो दिमाग में छा चुका है. जब भी वो गाना बजता है हम लोग खो जाते हैं कहीं. ऐसे तो अल्कोहल एक बदनाम चीज है और जिसके कारण बहुत सेलिब्रिटीज को बदनाम होना पड़ा. मुझे भी हर टाइम बदनाम होना पड़ता है. आप जो पीते हैं आपको तो हर टाइम कोसते रहते हैं कोई ना कोई. बट इसके बावजूद भी कुछ नाम है अल्कोहल ब्रांड का जो स्टार के साथ जुड़ गया है. अगर जॉनी वॉकर का बात करूं तो आपको शायद याद है. नहीं, मैं जॉनी वॉकर व्हिस्की का बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं जॉनी वॉकर साहब का, जो मशहूर कॉमेडियन थे. देखिए कुछ क्लिप्स तो आपको समझ में आ जाएगा. कहा मेरा जिगर गया जी. बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी इतना बड़ा नाम हुआ करता था जॉनी वॉकर साहब का पिछले दिनों. जब वो गुरुदत्त से मिले थे पहला फिल्म को साइन करने के लिए, गुरुदत्त जी उस दिन रेड लेबल पी रहे थे, जॉनी वॉकर रेड लेबल. तो उन्होंने बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी का नाम को चेंज करके जॉनी वॉकर रख दिया था. ऐसे अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा जी को भी बहुत बात सुनना पड़ा जब शराबी फिल्म रिलीज हुआ था. उन दोनों प्रकाश मेहरा का सबसे बड़ा कंपटीटर मनमोहन देसाई जी, जो भी एक डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने लिखा था कि ये जो शराबी मूवी है इससे अमिताभ बच्चन जी और प्रकाश मेहरा जी क्या साबित करना चाहता है. सारा दिन पी के एक बंदा
दिन भर पीते हुए है, ये यूथ में बहुत गलत एक यू नो साइन जाएगा। तब प्रकाश मेहरा जी ने उत्तर दिया था मनमोहन देसाई को कि कुली ही ऐसा जवाब दे सकता है। मतलब मनमोहन देसाई का वो जो कुली फिल्म हुआ था उसमें भी तो अमिताभ बच्चन थे। तो कोल्ड वॉर चल रहा था, तो ये बड़े बड़े दिग्गज जब इतना इंसल्ट हुए हैं तो हम लोग क्या, तो हम लोगों को भी इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं अल्कोहल को कैसे जोड़ा गया है हिंदी फिल्मों से, एक एक करके देखते हैं। याद है वो गाना, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, वो राजकुमार का वो गाना जहां पर मीना कुमारी को वो समझा रहे थे अल्कोहल के बारे में, साथ में कुछ लव अफेयर। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है। याद है आपको वो गाना जहां पर राजेश खन्ना सबके सामने झूम उठते हैं, गाना गाते गाते बोलते हैं, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, ये जो मोहब्बत है। मुझे अभी भी याद आ रहा है धर्मेंद्र जी का वो पुराना गाना जब शर्मिला टैगोर के साथ इकट्ठा प्रेम का इजहार करते हुए, छलकाए जाम छलकाए जाम आइए। कॉमेडी सीन में भी बहुत अच्छी तरीके से अल्कोहल को दिखाया गया है। याद है धर्मेंद्र जी का शोले मूवीज में चक्की पीसिंग पीसिंग को जाऊंगा फान जाऊंगा मजाला, और मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है कि मैं जड्डे यमला पगला दीवाना, जहां पर देसी दारू को दिखाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। और शाहरुख काजल का जरा सा झूम लूं मैं, मुझे एक गाना बहुत अच्छा लगता है जब 1995 में रिलीज हुआ था नाजायज फिल्म से, और वो गाना है अभी जिंदा हो तो जी लेने दो। ये जो गाना है ना, ये जो बारिश पड़ रहा है और ये जो माहौल क्रिएट किया था, कमाल का यार, कमाल का। मुझे अभी भी याद है मैं एक फ्रेंड्स का घर में गया था बारिश का दिन में, और वो मुझे स्टार्टर के तौर पे चिकन का लेग पीस दिया था, तंदूरी चिकन, और रम था यार, मैं पी रहा था और वो तंदूरी चिकन, मतलब एक अलग ही माहौल, और वो माहौल फट से याद आ जाता है जब भी आप ये गाना सुनेंगे। तो थोड़ा गाना तो सुन लेते हैं। बरसात के मौसम में रवीना टंडन को प्रेम का इजहार करते हुए ऋषि कपूर जॉनी वॉकर के साथ एक बहुत मस्त गाना गाया था, ये लीजिए वो गाना। कितना सुकून कितना आराम है। और फ्रेंड्स दुख में तो भर भर के है, बहुत सारा क्लिप्स है, बहुत सारा मूवी सॉन्ग वगैरह है, बट उनमें से अक्षय कुमार का ये गाना मुझे बहुत याद आता है। काश कहीं याद आ रहा आपको वो गाना जहां पर मिथुन चक्रवर्ती रम पीते हुए दुख से गाना गाते हैं, मुझको पीना है पीने दो। सेलिब्रेशन में भी अल्कोहल को बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है बहुत सारा मूवीज में, हम तुम में वो शैंपेन खोलना, शैंपेन खोलना तो मामूली बात है, बहुत सारा मूवीज में दिखाया गया है। बट मुझे वो तिरंगा का गाना याद आ रहा है जो राजकुमार साहब और नाना पाटेकर जी ने इकट्ठा गाए थे। पीले पीले ओमर राजा। फ्रेंड्स बॉलीवुड में अल्कोहल को बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से दिखाया गया है, मगर हम लोगों को जो याद है वो है कि अल्कोहल पी के मारामारी करना, झगड़ा करना, इंटॉक्सिकेटेड होके बवाली करना, ये सब हम लोग सीखा है। ऐसे तो फिल्म इंडस्ट्री हमेशा कोई मूवी के जरिए बहुत अच्छा मैसेज देता है, मगर हम लोग सुनते कहाँ हैं, हम लोग हमेशा नेगेटिव को लेते हैं, कभी भी पॉजिटिव को नहीं। तो इसीलिए अल्कोहल का जो बैड इफेक्ट है, जो रिफ्लेक्शन है, उनको हम लोग याद रखते हैं, ना कि अल्कोहल पी के इंजॉयमेंट भी हो सकता है ये। फ्रेंड्स एट द एंड मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अल्कोहल बुरा नहीं है, बट अल्कोहल पीने के बाद जो बवाली आप करते हैं वो कोई भी
सही तरीके से नहीं देखता है, इसीलिए अल्कोहल खुद बदनाम है। फ्रेंड्स, आगे से याद रखिएगा कि हम लोगों को मॉडरेट ड्रिंकिंग करना है, अल्कोहल का हर एक बूंद को एंजॉय करना है, ना कि नशेड़ी बनकर रोड में जाके बमाली करना है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। टाटा।